अरे इंदु, ये कपड़े तो तुम जन्मदिन पर पहनने वाली थी ना? पिताजी, मेरा जन्मदिन तो फरवरी में है और मौसी ने मेरे कहने पर हम बच्चों के लिए खास दावत रखी है। वाह, फिर तो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाय बाय पिताजी। आज की दावत में बड़ा मजा आएगा। चलो, राजकुमारी भी तैयार होकर आ गई। मैं तो तुमसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ भीम। मेरा लड्डू खाने का मन नहीं। राजकुमारी, आप ही को तो दावत के लड्डू खाने थे ना? आज राजकुमारी का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो बाहर चलते हैं। रुको बच्चों, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? थोड़ा पढ़ भी लो, यहाँ क्या लिखा है। महाराज की आज्ञा से पार्क बंद है, बच्चों को अंदर जाने की मनाही है। पिताजी का आदेश है, उसका पालन तो करना ही होगा। अच्छा, रुको अभी बताता हूँ। अरे, ऐसे झगड़ते नहीं। दोस्तों, मुझे एक कमाल की जगह पता है। मैं नहीं आ रहा। ठीक है कालिया, तुम जाओ, हम इंदुमती की बताई हुई जगह पर चलते हैं। वाह, ये तो अपने पार्क से भी बेहतर है। राजकुमारी जी, हमें बचाओ। वो नहीं आएंगी ढोलू भोलू। जश्न की तैयारी कीजिए, हमारा प्लान पूरा हुआ। और ये भी मत भूलो कि ये आइडिया मेरा था। और मैं भी परियों की रानी हूँ। कहो तो हम फैसला करें। मगर कैसे? पूरी परी, मुझे तो दावत के वक्त ही शक हो गया था, क्योंकि असली इंदुमती ना तो राजू का मजाक उड़ाती और ना ही लड्डू की बुराई करती। नाटक करके पीछा करने को कहा। चुपके से हमारे पीछे पीछे आओ। महाराज, आप यहाँ? ढोलू भोलू, हमें पूरी परी और मंगल सिंह ने बंदी बना लिया है। फिक्र मत करो, हम अभी आपको छुड़ाते हैं। बस इतना बता दो कि मेरा जन्मदिन जुलाई के कौन से दिन होता है? 22 जुलाई, 1 जुलाई। मगर तुम्हें कैसे पता चला? सबको पता है इंदुमती का जन्मदिन जुलाई में नहीं होता। तो फिर कब होता है बताओ? 14 फरवरी। दावत कल हो जाए, आज जगह नहीं है पेट में। अरे मास्टर जी अभी तक नहीं आए, पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू, चुप कर वरना। सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। पर आप कौन है? मेरा नाम है कमल गुलजी,
और क्योंकि आपके मास्टर जी एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा, क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा, जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी, मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। अरे बाप रे, ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे पर एक हफ्ते की ही तो बात है, तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या क्या सीख सकते हैं। चलो यहाँ से। चाहता है कोई चित्र अजब सा, रंग कला का मेल गजब का, गुलाब जैसे महक रहा हो, पक्षी जैसे चहक रहा हो, चिप 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 चिप। पेड़ हो, हाथी हो या हो पैसा, विचित्र शक्ति बना सकता है बिल्कुल असली जैसा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? ये देखो हमारी कलाकारी। तुम कलाकार नहीं, बेकार। महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए, गौर से देखिए, आपका अन्न। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी, अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। ये मुझे दो, उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। तुम्हारी इस कहानी को डुबो देते हैं। हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। मुझे आशीर्वाद निकालो। चलो अब इसे सूखने के लिए लटका देते हैं। एक बार पी लोगे तो फिर काहे का गम, ये लो मलाई राम का ताजा दूध, पीकर मस्त हो जाए मूड। भीम से मेरी धुलाई का बदला,
अब ये सफेद दूध लेगा। जादुई दूध को गोरखपुर वालों को पिला दो, तब सही होगा मेरा मूड। इसको पी के तो बिल्ली में भी बैल जैसी शक्ति आ जाती है। गमछा घुमाई के फ्री का दूध, वाह। चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। पी लो। जग्गू, जिस तरह तुम ग्लास को देख रहे हो, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। तुम ही पी लो। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे ऐस सटाक से। पीप पीप। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। वो गड़बड़ क्या है सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। पहले तो सही, लेकिन इतनी भारी है, हिल भी रही है। अब देखो घंटी का जादू, गमछा घुमाएंगे। अरे ये क्या, सारी की सारी गाय तो मलाई के पीछे चल दी। मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ। आगे क्या आदेश है गमछा घुमाई के? भीम, तुम यहाँ? होनहार गायों, भीम और उसके दोस्तों को सींग मार मार के छल्ली कर दो और फिर टंकी में गिरा दो। इन्हें गाय बनाने के लिए तुम्हें धो धो कर तुम्हारा घी निकाल देंगे। मिल्क शेक पीने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। क्या मिल्क शेक? ओफो बुरी परी, तुमने ये सब सिर्फ एक मिल्क शेक के लिए किया। हम पिलाएंगे तुम्हें मैंगो मिल्क शेक। जल्दी से इस किताब को सुखी मुखी में डाल के नष्ट कर दो, वरना 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 ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। क्या? पकड़ो उसको, भागने ना पाए। सुखी मुखी? हाँ, अरे ये सुखी मुखी क्या है और वो शख्स कौन था और ऐसा क्या है इस किताब में जो वो हमें इसे नष्ट करने के लिए कह गया? बाप रे, ये कीड़े इस किताब में कैसे आए? इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकते हैं। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है बच्चों, ये है जीवन की किताब। ये किताब असल में दूसरी दुनिया का दरवाजा है और उस दुनिया में सभी किस्म के पेड़ पौधे और जानवर खुशी खुशी रहते हैं, जैसे कि ड्रैगन्स, फीनिक्स। और जिस किसी के पास भी ये किताब होगी,
वो इन सब जानवरों को अपनी मर्जी से बाहर बुला सकता है और अपना गुलाम बना सकता है। तो इससे पहले कि ये किताब किसी गलत हाथों में पड़ जाए, इसे जल्द से जल्द जादुई ज्वालामुखी सुखी मुखी में आज रात चंद्र ग्रहण होने से ठीक पहले डाल कर नष्ट कर दो। जादुई ज्वाला सुखी मुखी, चलो ग्रहण खत्म होने से पहले इस किताब को उसमें डाल दें। कौन हो तुम? मैं हूँ बकासुर और ये किताब मेरी है। जाओ बच्चों, जाकर कुछ पढ़ाई लिखाई करो और इन सब झमेलों में मत पड़ो। पढ़ाई तो हम कर लेंगे, पर पहले तुम्हें सबक तो सिखा दे। ला वो किताब। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अरे शुक्रिया धोनी बाबा, पर ये बकासुर कौन है और उसे कैसे हराया जा सकता है? हाँ, बकासुर को हराने का बस एक ही तरीका है, उस पर हमला करने से पहले वो तुम्हें देख ना पाए, समझे? समझ गया दोस्तों, चलो मेरे साथ। बस कुछ ही वक्त में इस किताब के सभी जानवर मेरे गुलाम होंगे। सिपाहियों, सारी मशाले क्यों बुझ गई? देखो जाकर। सुर तो गया बुक में। फिर बदला लेने आऊंगा। उस खजाने को कोई नहीं ले सकता, उसे सिर्फ जीता जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? शक्तिशाली और बुद्धिमान ही इस खजाने का हकदार है। तो पहले तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास एक मिनट है, अपने दोस्तों को बचा कर दिखाओ। अगर एक मिनट में इन्हें बचा नहीं पाए तो तुम्हारे दोस्त यहीं गुफा में ही रह जाएंगे। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर दो और फिर खजाना तुम्हारा। पूछिए। तो सुनो, पूर्णिमा का चांद आसमान में रहते हुए भी कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाता है, ये कब होता है? बताओ 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 बताओ। चंद्र ग्रहण के समय। बहुत अच्छे। अब दूसरा प्रश्न, तारा मंडल में सबसे विशिष्ट मंडल कौन सा है? सप्तर्षि मंडल। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तुम बच्चे शक्तिशाली हो और समझदार भी, इसलिए इस खजाने के हकदार तुम हो। ये
देखी? चश्मा देखा क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धन्यवाद राजू, तुम सब भी। सिर्फ हम ही नहीं, गांव के बाकी बच्चे भी। ये सही नहीं है, हमें महाराज के पास जाना चाहिए। दोस्तों, तुम भी? ये सब क्या हो गया बच्चों? वही जानने तो हम यहाँ। महाराज, गोलमपुर में बहुत ही गबरू जवान आदमी ने हमला कर दिया है। हमें चल के देखना चाहिए। चलो दोस्तों, चलो। आओ इंद्र वर्मा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इन बच्चों का बचपन वापस चाहिए तो अपने खजाने का आधा सोना मुझे दे दो। बुढ़ापे ने मेरा मुक्का भी कमजोर कर दिया है। इंद्र वर्मा, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। या तो बच्चों का पूरा बचपना या तुम्हारे खजाने का आधा हिस्सा। चुनाव तुम्हारा, बताओ क्या चाहिए। मैं कल आऊंगा। मेरे पास एक तरकीब है। ये तो नामुमकिन है। मुमकिन को नामुमकिन करना और नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बताओ, मेरा हिस्सा तैयार है कि नहीं? तैयार है दोस्तों, दे दो इसे इसका हिस्सा। और भी? रुको, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना देने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो भीम। अरे ये गुड्डू तो बूढ़ा निकला। पिताजी, मेरी खूबसूरत कोमल त्वचा वापस आ गई। और मेरी खूबसूरती फिर से गई। नमस्ते दादाजी। आओ आओ बच्चों, कहो सब मजे में? मजे में कहाँ दादाजी, बहुत बोर हो रहे हैं। दादाजी, आपके ट्रंक में तो बहुत अद्भुत चीजें हैं, हमें दिखाइए ना। अच्छा, दिखाता हूँ। पर बहुत ध्यान से बच्चों, जब तक मैं ना कहूँ किसी चीज को छूना मत।
तुम? तुम कौन? यहाँ मैं लड्डू बात कर रहा हूँ, मुझे खाओगे? नहीं। मेरे से बढ़िया लड्डू पूरी दुनिया में नहीं। हमारे ढोलकपुर में हमारी टुनटुन मौसी के लड्डू से बढ़िया कोई लड्डू नहीं। खाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? सुनो अच्छी लड़की, देखो मुझ पर कितनी धूल जमा हो गई है, जरा पोंछ दो ना। अच्छा। हाय, मैं हूँ झाड़ू जो सब कुछ साफ कर डालता है। हमें भी झाड़ू ने साफ कर डाला। बचाओ चुटकी भीम। अब अपने लड्डू का कमाल देखो, हिलना मत राजू। हमें झाड़ू ने साफ कर दिया, अब हम दिखाई कैसे देंगे? शायद वापस गंदे होकर। घर का सामान हम पर हमला कर रहा है, सब ध्यान से सुनो। नहीं, इस पर्शियन कारपेट का कमाल तो देखते जाओ। ये देखो बच्चों, ये है रौनक शहर की सबसे ऐतिहासिक मूर्ति। वाओ, ये रौनक शहर कितना अनोखा है, हम जब भी यहाँ आते हैं कुछ न कुछ नया देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि राजू के सर पर उगे ये नए उजले बाल। ऐसी चीजें ही अनोखी लगेंगी। अरे 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 बच्चों, लड़ना बंद करो और इसे देखो। इस मूर्ति की सबसे अनोखी बात ये है कि इसे तीन महान शक्तिशाली जादूगरनियों ने सालों पहले अपने जादू से बनाया था। अब रकड़ा छू 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 मत कर, वो जादू होता है ना, मैजिक मैजिक। तभी ये इतना अलग लग रहा है। इस गेंडे में तुम लोगों को इतना अनोखा आखिर क्या दिख रहा है? वही दो आंखें और वही नाक पर सींग और वही पूंछ। मेरे पास अगर जादू होता तो मैं तो कुछ ऐसा बनाता जो कभी किसी ने ना देखा हो। तुम राइनोसोरस नहीं, डायनासोर्स बनाते ना। आखिरकार मुझे सबसे बहादुर सच्चा और अच्छा बच्चा मिल ही गया, जो मुझे दिलवाएगा जादू की सबसे शक्तिशाली किताब। अकरम बकरम बम बम बू, अब चलाऊंगी मैं अपना जादू। उन नन्हे मुन्हे सच्चे अच्छे मगर अकल के कच्चे बच्चों को अपनी जाल में फंसा कर निकलवाऊंगी वो कीमती चीज। ये सारे पॉपकॉर्न सिर्फ मेरे लिए हैं। सब कुछ ठीक कर दो।
ठीक है। खामोश, साइलेंस, मुझे एक जरूरी काम है। बिल्कुल भी परेशान मत करना मुझे। भीम, रौनकपुर खुफिया हथियार के कागज कहाँ हैं? वही जो खतरनाक हथियार बनाने का तरीका बताते हैं। आज की मीटिंग के लिए मुझे वो चाहिए। कहाँ है वो? इसीलिए आप परेशान हो, हम ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। पापा के चेहरे पे ये कैसी चमक है? दोस्तों, आज पापा कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। एक तरीका है सच पता लगाने का। आइडिया। पापा। बोलो भीम। पिछली बार आपने मुझे मस्ती हैंडशेक सिखाया था, हम अभी एक बार करें, बहुत मजा आएगा। मैं समझ गया भीम। क्या राजू? मदद करना ही जरूरी नहीं, कभी कभी एक की मदद करते समय दूसरे को हानि पहुंच सकती है। हाँ राजू, हर स्थिति को जांच कर अगला कदम लेने में ही समझदारी है। हाँ, ढोलू भोलू को शक्ति चाहिए। और अब कालिया को गुस्सा भी नहीं आएगा, जीत की खुशी में। मेरा पैर, मुझे चोट लग गई। क्या हुआ कालिया? अभी तक तो तुम ठीक थे। अब अच्छा लग रहा है, शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यही पर रखी थी। तो फिर यही होगी, चलो ढूंढते हैं। देखा मेरा कमाल, अब मैं इन दोनों को जो कहूँगा वही ये करेंगे और ढोलकपुर में मेरी हुकूमत होगी। चलो अब तुम दोनों मेरे पैर दबाओ। तुम दोनों ही सब पे भारी पड़ेंगे, तो फिर चलो। दो दो कालिया। अरे दो दो कालिया। भीम, इसका मतलब कालिया ने बोरी चुराई। मतलब बोरी और शायद असली कालिया कहीं और हैं। भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। हमारी बोरी वापस करो। ये क्या, मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी